प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एक ही दिन में दो बाघों की मौत हो गई। बता दें कि पन्ना टाइगर में 13 वर्षीय बाघ और 10 माह के शावक का शव अकोला बफर के जंगल में मिला, जिससे पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में बाघों की मृत्यु दर में बढ़ोतरी हुई है। जानकारी के अनुसार पन्ना टाइगर रिजर्व में पहले बाघों की संख्या 0 हुआ करती थी, लेकिन अब ये बढ़कर 75 हो गई है। वहीं फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि बाघ किडनी की बीमारी से जूझ रहा था, जिससे उसकी मौत हो गई, जिसका शव पन्ना कटनी मार्ग में सड़क किनारे बरामद किया गया। एक सुबह P111 जिसकी उम्र करीबन 13 साल थी, वो उसकी मृत्यु हुई है। प्राकृतिक कारणों से मृत्यु प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम करने पर पता चला है, बड़ी उम्र के कारण। और अभी शाम में हम लोगों के पास में खबर आई थी, जो मैं मौके पर पहुंच के देखा, एक शावक जो 10 माह का है वो मरा हुआ मिला है। वो संभवतः किसी बड़े टाइगर ने उसको मारा है।